हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ मेनी कहाँ यूज होता है और हाउ मच कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, हाउ मेनी एंड हाउ मच। अब पहले देखते हैं हाउ मेनी का यूज। तो हाउ मेनी कप्स आर देयर ऑन द टेबल, हाउ मेनी नाइफ्स आर देयर ऑन द टेबल, How many pens are there on the table? How many pencils are there on the table? How many books are there on the table? कितनी कपें टेबल पर हैं? कितनी चाकुएं टेबल पर हैं? कितने कलम या पेंस टेबल पर हैं? कितने पेंसिल्स टेबल पर हैं? कितने किताबें टेबल पर हैं? ये क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ। नेक्स्ट, How much money is there in the house? How much oil is there in the house? How much salt is there in the house? How much tea is there in the house? How much sand is there on the house? कितना पैसा इस घर में है? कितना तेल इस घर में है? कितना नमक इस घर में है? कितना चाय पत्ती इस घर में है? कितना बालू इस घर में है? तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं डिटेल में बताती हूँ हाउ मेनी किसके साथ यूज होगा। हाउ मेनी इज यूज्ड इफ द नाउन इज काउंटेबल। कह रहा है हाउ मेनी जो वर्ड है वो वैसे नाउन के साथ यूज होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कप्स, आप बोल सकते हो ना एक कप, दो कप, तीन कप, चार कप। वैसे चाकू को भी आप गिन सकते हो, पेन को भी गिन सकते हो, पेंसिल, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, चार पेंसिल, पांच पेंसिल। वैसे बुक को भी गिन सकते हो, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब। तो हाउ मेनी किसके साथ यूज होता है? हाउ मेनी इज यूज्ड इफ द नाउन इज काउंटेबल। जब नाउन हमारा काउंटेबल हो, मतलब जब आप नाउन को गिन सकते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? हाउ मेनी। अब देखते हैं हाउ मच किसके साथ यूज करते हैं। How much is used if the noun is non-countable? कह रहा है how much तब use होता है जब आप noun को नहीं गिन सकते हो। जैसे मैंने बोला how much money, money को बोल सकते हो एक money, दो money, तीन money, नहीं बोल सकते, money को कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि money का मतलब होता है, जैसे आप बोलोगे एक रुपए, दो रुपए, तीन रुपए, लेकिन अगर आप money बोलोगे तो money को आप नहीं गिन सकते हो। क्यों? क्योंकि मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। सपोज आपके पास, मेरे पास ये पेंसिल है, इसका भी एक वैल्यू है, इसका भी क्या है, दाम है। तो घर में जितने भी आइटम है उसका कुछ ना कुछ प्राइस है, तो सारे को गिन आप नहीं सकते हो। तो मनी को आप कभी भी नहीं गिन सकते हो, लेकिन जब मैं बोलूंगी एक रुपए, दो रुपए, तो उसे आप गिन सकते हो। जैसे मैं बोलूंगी मनी, एक मनी, दो मनी, कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सेम वैसे ऑयल, ऑयल को आप सुना एक तेल, दो तेल, तीन तेल, नहीं सुना है, इसे भी आप नहीं गिन सकते हो, तो इसके साथ क्या आएगा? हाउ मच आएगा। सॉल्ट, नमक को भी आप नहीं गिन सकते हो, तो इसके साथ क्या आएगा? हाउ मच आएगा। टी, चाय पत्ती को भी आप नहीं गिन सकते हो, तो उसे भी के साथ भी क्या आएगा? हाउ मच आएगा। सैंड, बालू, उसे भी आप नहीं गिन सकते हो, तो उसके साथ क्या आएगा? हाउ मच आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा हाउ मेनी किसके साथ यूज होता है इफ द नाउन इज काउंटेबल, और हाउ मच किसके साथ यूज होता है इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा वेयर वी यूज हाउ मेनी एंड वेयर वी यूज हाउ मच। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया कि हाउ मेनी कहाँ यूज करोगे और हाउ मच कहाँ यूज करोगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।